So now question number 2, 5.1 exercise. Question number 2. क्या है लिखते हैं? Determine whether the points are collinear. Determine whether the points are collinear. नाम सुना है? Ninth में होता था और 57 में collinear points. Collinear points. एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट जो होते हैं वो कोलिनियर ही होते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोशुलेस राइट ना, क्या होता है इफ वी टू पॉइंट्स, इफ वी ड्रॉ टू पॉइंट्स देन हाउ मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ, सीधा सीधा एक ही लाइन जाएगा. तो एनी टू पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते ही है. ओके तो कोलिनियर के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 3. ओके लेट अस सपोज दैट ये है ए बी और ये है सी. ओके नाउ अगर इफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी मतलब दो स्मॉलर जो सेगमेंट्स है छोटे छोटे ए बी एंड बी सी इनका टोटल जो है इनका एडिशन जो है वो कितना होना चाहिए ए सी के, इतना ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी कितना होना चाहिए डिस्टेंस ए सी, दैट वी कैन सी दैट ए बी सी आर कोलिनियर. समझ में आया? तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए और इसका भी पता होना चाहिए. मतलब हमारे सेकेंड क्वेश्चन में हमें तीन डिस्टेंस निकालना है. मतलब अभी मैंने तीन सम किए थे ना, उसको इसमें एक ही में करना है. क्लियर? थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन आसान है. तो दो या तीन मार्क्स के लिए समझेगा तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे. ये समझाएंगे ना कोई पॉइंट. चलो स्टार्ट करते हैं. इसमें टोटल तो 4 सम्स दिए हैं. ओके तो मैं दो करता हूं, आप दो कीजिए. फर्स्ट और सेकेंड में करता हूं, थर्ड और फोर्थ आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 2 में होमवर्क कौन सा होगा आपके लिए, थर्ड और फोर्थ. ओके क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ. ओके ये आपका होमवर्क है. क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट. तो कौन से पॉइंट्स दिए आपको फर्स्ट में? ए दिया है, ए दिया है 1 and -3, बी दिया है 2 -5 और सी दिया है -4 7. ओके तो हमें पहले क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, फिर निकालना है बी सी और फिर निकालना है ए सी. ओके तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, अभी यहां पे आपको अगर फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज डालने हैं तो आप डाल सकते हो. ओके डायरेक्ट वैल्यूज डालने तो आप डाल सकते हो, वरना यहां पे मेंशन कीजिए ये क्या है x1, ये क्या है y1, सॉरी ये क्या है x2, ये क्या है y2, ये क्या है x3 और ये क्या है y3. मतलब दो पॉइंट है 2 2, तीसरा आ गया 3 3, फोर्थ आ गया 4 4, कर सकते हो. ओके डिस्टेंस AB के लिए तो फॉर्मूला वही होगा कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो अभी यहां पे हम निकालते हैं डिस्टेंस AB पहले x2 - x1 मतलब 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, उन्होंने माइनस है तो y2 - 5 - y1 - 3 होल स्क्वायर. ओके डाउट? तो 2 - 1 कितना होगा 1, वो तो बताए. यहां पे -5 में सेम फर्स्ट वाला माइनस कोई चेंज नहीं होता. हाँ ये माइनस की वजह से ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, 1 का स्क्वायर 1 प्लस. -5 + 3 हाउ मच, -+ -5 में से 3 गया 2 रिमेन राइट, साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस होल स्क्वायर कितना जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस ही होता है तो ये आ गया 4. तो इसका आंसर आ गया √5. डिस्टेंस बिटवीन ए बी आपको मिल गया कितना आ गया √5. समझ आया?
अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन बीसी. नाउ डिस्टेंस बीसी इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला डिस्टेंस बीसी का. बीसी के लिए दो पॉइंट है बी और सी, उनका एक्स टू वाई टू और एक्स टू वाई थ्री है, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू होल स्क्वायर. तो यहां पर एक्स थ्री कितना होगा माइनस फोर, माइनस एक्स टू कितना होगा प्लस टू मतलब टू होल स्क्वायर, प्लस वाई थ्री कितना है सेवन, ये अपना माइनस वाई टू कितना है माइनस फाइव, तो उसको हम ब्रैकेट में रखें. अब यहां पे आगे माइनस फोर माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फोर प्लस टू सिक्स, और साइन सेम रहेगा माइनस माइनस हम प्लस करते हैं लेकिन आंसर को वही साइन देना है, तो माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस की वजह से दिस माइनस विल बी प्लस फाइव होल स्क्वायर. तो मैं यहां पर लिखता हूं माइनस सिक्स का होल स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 7 प्लस 5 कितना होता है 12 होल स्क्वायर. तो 36 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है नॉर्मल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 24. बच्चे वो से बोलते हैं 12 का स्क्वायर 24, 12 टू जा रखते हो, 12 टू जा नहीं होता है स्क्वायर मतलब 12 12 जा ओके, तो कितना होता है 144 ओके, तो ये कितना हो जाएगा 180. अब 180 को फैक्टराइज करो, 180 को फैक्टराइज करना है आपको, 2 9 80 जीरो आएगा, 0 0 2 4 8 और 2 5 10 3 15 3 5 और 5 1 स्क्वायर रूट है, तो हमें दो दो ग्रुप आ रहा है, जितने भी ग्रुप बनेंगे उन सबको साथ में लेना है, तो 2 2 4 12 36, तो यहाँ पे एक 36 आएगा और इनटू 5, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6.5. ये हमारा डिस्टेंस हो गया डीसी ओके. अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन एसी, सिमिलरली डिस्टेंस एसी इज इक्वल टू फॉर एसी, एसी के लिए क्या होगा, एसी के लिए एक्स वन वाई वन है और एक्स थ्री वाई थ्री है, तो एसी के लिए फॉर्मूला बनेगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर ओके. तो x3 कितना है माइनस फोर है और x1 इज 1, सो इन ब्रैकेट माइनस फोर माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y3 इज 7 एंड y1 इज माइनस थ्री, सो 7 माइनस माइनस थ्री माइनस थ्री इन ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर प्लस वन फाइव, और साइन वही रहेगा माइनस माइनस का साइन क्या होता है माइनस सी होता है, सेम साइन टू द आंसर ओके, ये याद रखना माइनस फाइव टेन लेकिन साइन माइनस सी रहेगा, प्लस सेवन माइनस माइनस प्लस थ्री होल स्क्वायर. अब उसको मैं यहाँ पे करती हूँ देखिएगा, ये देखो माइनस माइनस टू कितना होगा 25 प्लस सेवन प्लस थ्री टेन होल स्क्वायर, तो ये रूट 25 प्लस टेन स्क्वायर कितना होगा 100, तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा 125. अगेन 125 का फैक्टराइजेशन 5 है तो 5 से डिवाइड करो, 5 टू जा 10 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, दो का ग्रुप बनाओ ओके, 5 5 जा 25 25 इंटू 5, तो रूट 125 जो है उसके फैक्टर्स आएंगे 25 इंटू 5 बिकॉज 25 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 5 और ये अंदर बचा रूट 5. तो हमारे पास तीनों सेगमेंट मिल गए, ए बी मिल गया, बीसी मिल गया और एसी मिल गया ओके. नाउ अभी हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से दो डिस्टेंस को ऐड करना है ओके. अभी हमने जैसे पढ़ा था कि जब पॉइंट्स को लीनियर होते हैं तो कौन से पॉइंट्स का एडिशन होता है जो दो छोटे वाले हैं, स्मॉलर जो डिस्टेंस है या स्मॉलर सेगमेंट से उनको ऐड करके लार्जर वन मिलता है,
तो यहाँ पे दो स्मॉल पॉइंट्स है, देखो यहाँ पे रूट फाइव है, ये भी रूट फाइव है और ये भी रूट फाइव है, मतलब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बिकॉज रूट फाइव इज सेम। इसे कौन से टर्म्स कहते हैं? 90 बना था आपने सर्च में, कौन से टर्म्स? यस सिमिलर टर्म्स कहते हैं या लाइक सर्च, सिमिलर सर्च या लाइक सर्च कहते हैं उसे। ओके तो ये लाइक सर्च है, ओके सेम सर्च है ये रूट फाइव। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा लार्ज होगा, दैट इज 6 रूट 5। तो इसको और उसको ऐड करो, मतलब एबी को और एसी को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस एबी और डिस्टेंस एसी को प्लस करते हैं, तो एबी का है रूट फाइव, दैट मीन्स 1 रूट 5 प्लस 5 रूट 5, ये वो है ना। तो ये रूट फाइव कॉमन हो जाएगा और ये 1 प्लस 5 कितना होता है 6, कौन से कितना आएगा 6 रूट 5, ये नंबर वन ले लो। और डिस्टेंस भी सीधा आपको पता ही है कितना है 6 रूट 5, ये नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ये सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन एसी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर व्हाट आर कोलिनियर। Now second question, L minus 2, 3, M 1, minus 3 and N 5, 4, ये भी हमें वही करना है, same, पहले distance निकालेंगे LN, फिर MN, फिर LN, okay, so let's start, तो अगर आपको X1 वाले में लिखने तो आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ये है X1, ये है Y1, ये है X2, ये है Y2 और ये है X3 और ये है y3। अब मैं यहां पे डायरेक्टली लिखा हूं, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, देखो कैसे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन एल एन इज इक्वल टू, अब यहां पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हो x2 - x1, तो x2 है - x1 मतलब यहां पे 1 आएगा माइनस ये -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - -3 - 3 होल स्क्वायर -3 - 3 होल स्क्वायर, ये माइनस का साया हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें, ओके फिर 1 - - +2 स्क्वायर प्लस -3 - 3 कितना होता है -3 9, 6 3 3 9 नहीं करना है, 3 + 3 6 करना है, ओके और ये सही आंसर रहेगा, आंसर को -4 स्क्वायर 1 + 2 3 स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर कितना होता है आपको +36 गुड वेरी गुड 9 + 3 का स्क्वायर 9 3 3 6 और 3 का स्क्वायर 9 ना ये अलग अलग है, ये 45 आएगा, ओके 45 को अगर आप फैक्टराइज करने जाओगे तो देखो क्या होता है 45 का 3 15 3 5 5 3 का 9 तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, मतलब फैक्टराइजेशन करके आपको जब फैक्टर में जाएंगे 9 5 45 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 3 √5 समझा इतना, एनी डाउट? ओके अब डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन एम एंड एन इज इक्वल अंडर रूट, सेम अगेन डायग्राम वैल्यू डालते हैं एम और एन के लिए x3 - x2 मतलब 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - -3 4 अपना माइनस फॉर्मूले में x3 - y3 - y2 तो y3 लिया 4 अपना माइनस फॉर्मूले का माइनस y2 is -3 तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा,
कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, इजी टर्म्स है. ओके, 5 माइनस 1 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 3. तो ये 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16. 4 प्लस 3 7. इजी इजी तो है, कुछ नहीं इसमें. 16 प्लस 49. 49 में 16 ऐड कर दो कितना होगा? 65. ओके, कितना से आएगा? 65. 65 का मतलब फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें कोई पेयर नहीं बनता. जैसे 5 से ग्रेड हो, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा और 13 वन जा 13, कोई पेयर नहीं बन रहा. तो इसका आंसर वही रूट 65. ओके, फिर डिस्टेंस निकालते हैं. एल एन इज इक्वल टू एल एन के लिए क्या होगा? एक्स थ्री माइनस एक्स वन मतलब 5 माइनस माइनस 2. 5 माइनस माइनस 2 ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3 होल स्क्वायर. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. बहुत ही आसान है. 5 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 होल स्क्वायर. 5 प्लस 2 7 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. 349 प्लस 1 कितना आंसर आएगा आपका? 50. 50 को आप स्प्लिट कर सकते हो. यस, उसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज से लिखा जाए तो 50 तो 2 25 है 50, फिर 5 5 और 5 1 तो ये 5 का एक ग्रुप बनेगा. मतलब 5 5 का 25 2, मैं अभी लिखता हूं. रूट 50 का मतलब होगा 25 इंटू 2. 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, रूट राइट. अब देखो यहाँ पे रूट 5 है, यहाँ पे रूट 65 और यहाँ पे रूट 2 है. ये तो डिसलाइक टर्म्स है, डिसलाइक सर्स जिसे हम कहते हैं. सेक्शन नहीं है. जब डिसलाइक सर्स होते हैं तो उनका एडिशन तो पॉसिबल नहीं, सब्ट्रैक्शन आल्सो नॉट पॉसिबल. हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते. ओके, सो इन दिस सिचुएशन हम फाइंड कैसे करेंगे विच वन इज ग्रेटर? तो जो हमने अंडर अंडर रूट करा ना, अंडर रूट मतलब स्प्लिट करके बाहर निकाला, उसमें उसको वो देखो अंडर रूट वाला आंसर देखो. मतलब ये देखो रूट 45, ये देखो रूट 65 और ये देखो रूट 50. तीनों भी स्क्वायर रूट नहीं है तो इसलिए हम इस पे कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर. ओके, देखो 45, 65 और 50, विच वन इज ग्रेटर? 65. तो हमें इसका और इसका एडिशन करना है, मतलब LM और LN का एडिशन करना है. समझ में आया कैसे किया? रूट वाला देखो, रूट वाला बाहर भी निकला हुआ है उसको मत देखो, अंडर रूट देखो. उसके बाद यार कंपेयर, कंपेयर एक पढ़ाया था आपने नाइन स्टैंड में, सर्स में कंपेयर हमने पढ़ा हुआ है. जब हम वो सर्स जो थे वो प्योर सर्स नहीं थे, मिक्स सर्स थे. ये होता है ये प्योर सर्स. ओके, ये क्या है? प्योर सर्स. ये क्या है? मिक्स सर्स. ओके, तो इसे हमने पहले इसमें कन्वर्ट किया था और फिर उसको कंपेयर किया, राइट ना? वही अभी आपके आपने यूज हो रहा है. तो यहाँ पे रूट 45, रूट 65 और रूट 50, विच वन इज ग्रेटर? रूट 65. इसको स्क्वायर करो, डिस्टेंस एल एन प्लस डिस्टेंस एल एन इक्वल्स टू. अब ये नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये रूट 45 हो गया और रूट 50 हो गया तो भी उसका एडिशन तो होने वाला नहीं है. एडिशन के लिए लाइक सर्च चाहिए. तो ये 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 2, इसका आंसर नहीं आएगा. ये वही ऐसे ही रहेगा. यहाँ पे रूट 5 होना चाहिए था या फिर यहाँ पे रूट 2 होना चाहिए था तो एडिशन पॉसिबल था, वरना नहीं. तो ये फर्स्ट हो गया. एंड डिस्टेंस एम एन इज गिवन कितना? रूट 65. तो ये दोनों भी आंसर अलग अलग आ रहा है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट? द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. हाँ, आई थिंक आपको समझ में आया होगा. ओके, सो होमवर्क क्या है आपका? एक्सरसाइज 5.1 में ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3-4 और क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने कौन सा बोला था? 1-4 एंड 5. ये आपको होमवर्क है, तो आप ये कर
कर लोगे आराम से। क्लियर।